सुनी, तुझे अचानक क्या हो गया? तेरे जन्मदिन की लगभग सब तैयारी हो गई है और तुम बोल रही हो कि तुम्हें अपना जन्मदिन नहीं मनाना। ऐसा क्यों बेटा, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं पापा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। तो फिर बेटी मुझसे नाराज हो क्या? बात है, टुनटुनी को कुछ तो हुआ है, वरना वो अपना जन्मदिन मनाने से मना नहीं करती। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। खैर, अभी तो वो कुछ नहीं बताएगी। जन्मदिन वाले दिन टुनी टुनटुनी के पास जाती है। बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों अपना जन्मदिन नहीं मनाओगी? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी, तो नहीं मनाऊंगी। अब जाओ तुम यहाँ से, मुझे सोने दो। ठीक है बेटा, मत बता। अगर तुम मुझे अपने मन की बात बता देती तो तुम्हारा जी हल्का हो जाता। माँ, तुम क्यों रो रहे हैं? क्या बात हो गई है पापा? और क्या बेटा, रोए नहीं तो और क्या करूँ? तुम तो अपने मन की बात बता ही नहीं रही हो कि तुम्हें जन्मदिन क्यों नहीं मनाना। मैं तो तुमसे सारी बात शेयर करता हूँ और तुम हो कि कुछ बता ही नहीं रही हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पापा जो मुझे चाहिए, ये अच्छा नहीं लगेगा। पापा, बेटियों की विदाई क्यों होती है? क्यों वो अपने ससुराल चली जाती है? बेटी, यही दुनिया की रीत है, एक न एक दिन बेटियों को अपने ससुराल जाना होता है। बेटा मत रो, बेटा तेरा मेकअप खराब हो जाएगा और तबीयत भी। तेरे माँ बाप के साथ इतना ही समय लिखा था, अब तू अपने पति के साथ खुशी खुशी जा। बेटा मोंटू, मैंने अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला है, मेरी फूल सी बच्ची को खुश रखना। अगर इससे भूल से गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। मैंने अपनी बेटी को सब कुछ सिखा दिया है, ये बड़ी ही समझदार है। माँ जी, अब आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं इसका ध्यान अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा। अगर इससे कुछ गलती हो गई तो मैं नजरअंदाज कर दूंगा। तभी मोंटू कबूतर का दोस्त कालू कौवा बोलता है, अरे भाई जल्दी विदाई करा कर चलना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रात मेरा खाने से पेट नहीं भरा, सारा खाने में कोई स्वाद ही नहीं था। हाँ दोस्त, रोटियां भी मुझे कुछ खास लगी नहीं, चलो रास्ते में रुक कर कहीं ढाबे पर खा लेंगे। अपने पति की बातें सुनकर टुनटुनी अपने पापा से कहती है, पापा मुझे अपने ससुराल नहीं जाना, अब मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई है? अरे 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 टुनटुनी, किसी से क्या कोई गलती हो गई क्या? गलती तो बहुत बड़ी हुई है, मेरे पापा ने रात रात जाग कर शादी की तैयारियां की थी। एक एक सामान को बड़े नाजों से सजाया था, दिल्ली और बॉम्बे से हलवाई बुलवा कर 36 पकवान बनवाए थे, और आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया। मैं अपने पापा की इतनी बेइज्जती नहीं सह सकती। आप बिना दुल्हन लिए यहाँ से जा सकते हैं। आपको क्या पता, जब से बेटी का जन्म होता है तब से वो एक एक चीज जोड़ता है, लेकिन आपने तो एक झटके में सब बर्बाद कर दिया। आपको क्या पता मुझे कितना दुख हुआ है? अगर आपकी कोई बहन होती तो आपको पता चलता। एक बेटी अपने मायके के लिए कितना मायने रखती है। जब मैं मायके चली जाऊंगी तब मेरे पिता कितना रोएंगे, ये मैं ही जानती हूँ। बस करो बेटी, आप क्या रुलाओगी? बस कर बेटा, ऐसा नहीं बोलते। नहीं माँ, इन लोगों को असलियत का आईना दिखाना बहुत जरूरी है। ये लोग मेरे पिता की बेइज्जती करते रहे और मैं सुनती रहूँ। माँ मुझ में कोई कमी नहीं है और मेरे ससुराल वाले खाने में कमी निकाल रहे हैं। तभी टुनटुनी की सास वहाँ पर आती है। अरे बहू, क्यों बात को बतंगड़ बना रही हो? मुझे तुम पर गर्व है, मैं यहाँ से बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ, तुम मेरे बेटे को माफ कर दो। टुनटुनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मैंने सब अनजाने में बोल दिया था, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। देख बेटा, अब तो मेरे बेटे ने भी माफ़ी मांग ली, अब चल विदाई का भी मुहूर्त निकलता जा रहा है। माँ, मेरे जाने के बाद मेरे पापा का ख्याल रखना, और जब भी मुझे याद करके कभी रोए।